आपका सपना मान लो एक सपना पूरा हो गया, उसके बाद आपको अपना दूसरा कोई सपना भी बना लेना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि सपने आपको एक आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो आप ज़िंदगी में कभी, यदि हम सच में एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो हमें एक जगह ठहर नहीं जाना चाहिए कि मैंने आज अपना लक्ष्य पूरा कर लिया और मेरा ये काम हो गया, मुझे रुक जाना चाहिए। ऐसा नहीं, जब हमको कोई कुछ ऐसा लगता है कि ये चीज़ हो जानी चाहिए, ये काम हो जाना चाहिए, तो वो एक सपना होता है। आपके मन में जो ख्वाहिश है वो होता है सपना। हाँ, अपना बेस्ट आप हमेशा दीजिए, चाहे कोई भी काम करते हो, चाहे पढ़ाई करते हो या आप म्यूज़िक सीख रहे हो, डांस सीख रहे हो, जो भी काम आप करते हो उसमें गिव योर बेस्ट। लेकिन हमको पढ़ाई को लेके वैसा तनाव नहीं पालना है कि हम बहुत टेंशन में आ गए, हमारा परिवार टेंशन में आ गया, तो वो नंबर गेम जो होता है ना, उस पर बहुत उसको लेके चिंतित और परेशान होने की या तनावग्रस्त होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ जब वो कल्पना करता है, तो कल्पनाएँ ही तो हकीकत में बदलती हैं। तो इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आप कल्पना करिए, यदि आप सपना देख सकते हैं तो आप सपने को पूरा भी कर सकते हैं। तो परिस्थितियाँ एक ही व्यक्ति की अलग अलग भी हो सकती हैं, तो आपकी परिस्थिति क्या है आप उसके अनुरूप देखिए और उसके अनुरूप सोचिए, और उसके अनुरूप आपको क्या करना वो आपको तय करना पड़ेगा। मोटिवेशन ले सकते हैं कि हाँ, उसने यदि किया है, वो व्यक्ति कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी एक चीज़ देखिए कि भाई आपकी क्षमताएं क्या हैं, आपकी परिस्थितियाँ क्या है। जब लोग आपको निगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, तो उसका जवाब ना यही होता है कि जो मैंने कहा था कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। मतलब निगेटिविटी हमेशा निगेटिव नहीं होती, हम उसको पॉजिटिवली भी ले सकते हैं। पर बात यही है कि जो सच्चाई होती है ना, वो नहीं छुपती है। फूलों की खुशबू नहीं छुप सकती है ना, वैसे आपकी अच्छाई और आपकी सच्चाई भी नहीं छुप सकती, वो पता चल ही जाता है।